है मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जाद हुसैन, सलामुलेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जो खबरें लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं जिन पर तबसरा किया जाएगा, उन खबरों में जो सबसे बड़ी खबर है वो कुवैत से मुतालिक है। और आपको बता दूं कि कुवैत के अहमदी गवर्नरेट का एक इलाका है मनगाफ, वहाँ पर मंगाफ ब्लॉक में तकरीबन एक 6 मंजिला इमारत में आग बढ़ उठी, जिसमें बताया जाता है कि 49 वर्कर्स अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए और 50 को शरीके दवाखाना कर दिया गया है, यानी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। इन महलकिन में 10 हिंदुस्तानी भी पाए जाते हैं। और इस खबर को लेकर हिंदुस्तान में काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर एस जयशंकर, जो वज़ीर उम्र खारजा है, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, हमदर्दी का इजहार किया है और जो महलुकिन है उनके अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक इमरजेंसी के तौर पर यानी हंगामी सूरत हाल जो पैदा हुई है उससे निमटने के लिए मरकजी जो मुमलिकती वजीर खारजा है के वी सिंह को भी रवाना कर दिया गया है कुवैत के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो महलुकिन है उनमें केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 8 वर्कर्स हैं, जबकि तमिलनाडु का 1 और उत्तर प्रदेश का 1 है। तो बहरहाल ये जो सबसे अहम खबर रही है जिस पर हम तबसरा करेंगे, लेकिन एक खबर आ रही है नागपुर से। मैं आपको बता दूं कि वहाँ आप देखेंगे कि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र में आपने देखा कि बॉलीवुड का जोर है और बॉलीवुड की फिल्म के टर्फ पर जिस अंदाज में जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं उसके बाद मर्डर किया जाता है, उसी तरह का एक मर्डर का वाकया पेश आया है। एक बहू ने जो एक आला ओहदे पर फायर है, जिसकी उम्र सिर्फ 53 ईयर्स है, और वो अपने सास और ससुर की जो जायदाद है 300 करोड़ रुपये मालियती जायदाद, उसे हथियाने के लिए अपने ससुर का कत्ल करवा देती है, उसके लिए कातिलों को 1 करोड़ रुपये देती है। और फिर आप देखेंगे कि एक रोड एक्सीडेंट की शक्ल में, हिट एंड रन केस की शक्ल में ससुर का खात्मा कर दिया जाता है, और हिट रन के ऐसा लगता है कि किसी ने टक्कर देकर फरार इख्तियार की, यानी उसे एक हादसे की शक्ल दे देती है। और फिर उसका जब पर्दाफाश होता है तो उस बहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसी तरह नागपुर में एक वाकया पेश आया, ये दूसरी खबर है। लेकिन तीसरी खबर जो सबसे ज़्यादा अहम हमें सियासी लिहाज से नज़र आती है वो ये है कि आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू की ज़ेर-ए-क़यादत एनडीए हुकूमत ने हलफ लिया है। चंद्राबाबू नायडू, नारा लोकेश और इसके बाद पवन कल्याण जो जनसेना के सरबरा है, उन्होंने अपना हलफ ले लिया और अब देखेंगे कि किस तरह चंद्राबाबू नायडू अपने काम करते हैं। इस मौके पर आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बतौर ख़ास उन्होंने शिरकत की, अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे और जो डिग्निटरीज वहां पर आए उनमें साबिक सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से लेकर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, रजनीकांत और चिरंजीवी ने शिरकत की। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि चंद्राबाबू नायडू ने जिस तरह का अहद किया था कि वो जिस अंदाज में YSRCP अरकान ने उनकी बीवी भुवनेश्वरी के बारे में गंदे रिमार्क्स किए थे, उनकी तौहीन की थी, उसका बदला लिए तक बहसियत चीफ मिनिस्टर वो यानी पल ऐवान में दाखिल होंगे। तो बहरहाल वो ऐवान में चीफ मिनिस्टर का हलफ लेकर दाखिल होने वाले हैं, हलफ तो ले चुके हैं, अब दाखिल होना बाकी है। बहरहाल एक इस हलफ बरदारी की तकरीब में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर नोट की गई। एक तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तरह लपेट गए, इस तरह बगलगीर हुए, ऐसा लगता था कि वो चंद्राबाबू नायडू को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक मंजर ऐसा भी देखा गया जहां चिरंजीवी और पवन कल्याण के हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर वज़ीर आज़म ने ऊपर उठाए, यानी कामयाबी की बात की। तो ये दूसरी खबर रही थी। और एक खबर है नाज़रीन, आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले में रियासत जो मरकजी उदरा है उनमें 8 मरकजी उदरा ऐसे हैं जो हेट स्पीच के मुकदमात में मुलविस हैं। और मोदी हुकूमत ने इस मरतबा 33 नए चेहरों को काबीना में शामिल किया है। और अफसोस की बात है, बल्कि अफसोस तो दूर, शर्म की बात है नेशनल शेम है कि किसी मुसलमान को इस मरतबा काबीना में शामिल नहीं किया गया है। वैसे नाज़रीन एक और खबर ये आई है कि कई ऐसे लोकसभा हलके हैं, यानी 140 ऐसे लोकसभा हलके हैं जहाँ पर जो रायदेही हुई
जब गिनती की गई तो रायदेही यानी जितने वोट डाले गए थे उससे कहीं ज़्यादा वोट्स की गिनती हुई और जो वोट्स डाले गए थे उससे कम भी गिनती हुई है। तो इस तरह की जो खबरें हमारे पास हैं हम लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। लेकिन पहली खबर चूंकि बहुत ज़्यादा तश्वीशनाक है कुवैत की, और कुवैत के बारे में हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 10 लाख हिंदुस्तानी बरसरकार हैं, वहाँ पर काम करते हैं और उनका एक अच्छा असर वहाँ पर है और उन्हें एहतराम की निगाह से देखा जाता है। कोना कुवैत की एक सरकारी एजेंसी है, वो खबर रखना एजेंसी, उसने कहा है कि आग पर काबू तो पा लिया गया है लेकिन कुवैत के जो नायब वज़ीर आज़म है उन्होंने फहद यूसुफ अल सबा उन्होंने पुलिस इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है सज्जाद साहब। अब देखना ये है कि ये कहा जा रहा है कि पहले जो ज़ेरी मंजिलें होती हैं वहाँ के किचन में आग भड़कू की और देखते ही देखते उसने सारी इमारत को लपेट में ले लिया। अब देखना है कि मोदी हुकूमत किस तरह इस वाक़े से निमटती है और वहाँ से जो लाशें हैं वो हिंदुस्तान वापस लाती हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा सानहा है, कुवैत में जो है एक इमारत में आग लगी, ये एक वाकया था लेकिन इस आग में हिंदुस्तानियों के जो है झुलस कर फौत होने की खबर ने जो है हिंदुस्तान में तश्वीश की लहर दौड़ा दी है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी 49 जो है लोगों के मरने की तस्दीक हुई है। वजारत दाखिला दफ्तर एक खारजा ने जो है कहा है कि हम गहरी नज़र रखे हुए हैं और वहाँ हिंदुस्तानियों की चाहे वो झुलस के जख्मी हुए हों चाहे वो फौत हुए हों उनको जो फौत हो गए उनको इंडिया लाने की और जो झुलस गए हैं उनको जो है बेहतरीन इलाज के लिए सारी कोशिशें की जाएंगी, सारा जो है ताकत झोंक दी जाएगी। वो दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान भी जारी हो गया है और दफ्तर खारजा ने कहा है कि हम जो है इस सारे मामले पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो बहरहाल एक कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सानिया है कुवैत में हुआ है जिसमें जो है हिंदुस्तानियों की जाने गई हैं। यकीनन ये जो है एक हम ये कह सकते हैं कि गम की बात है, एक सदमे की बात है और जिनके भी जो है मौत हुई है उनके लवाहिकीन के साथ जो है हम अपनी हमदर्दियों का इजहार करते हैं। बिल्कुल सज्जाद साहब, आप जैसा कोई ऐसी खबरें आ रही हैं और नाज़रीन आपको बता दूं कि इस 6 मंजिला इमारत में जब आग बढ़क उठी तो उस वक्त वहाँ पर 160 मुलाजमीन मुखीम थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये भी आईनी शाहिदीन ने बताया कि जैसे ही आग बढ़क उठी और सारी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया तब आईनी शाहिदीन ने देखा कि लोग 5वीं मंजिल से भी छलांग लगा चुके थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं जिन लोगों ने छलांग लगाई वो भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि अलादीन हॉस्पिटल जहां हमारे हिंदुस्तानी सफ़ीर मुतैना को इसने दौरा भी किया है और देखा है वहां पर 30 मुलाजमीन जो 30 हिंदुस्तानी वर्करों को शरीक किया गया है जो झुलस चुके हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शदीद तौर पर झुलसे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ तक आतिशज़नी का वाक़ा हो या आतिशज़दगी का वाक़ा हो तो उसमें जानों का जो इख्तलाफ होता है वो बहुत ही भयानक होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के वहाँ सूरत हाल पैदा होती है। और ये अच्छा हुआ कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वहाँ जो फायर सेफ्टी के इकदाम किए जाते हैं और वहाँ ये कहा जा रहा है कि आग तो बुझाली गई है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो महलुकिन हैं उनकी ज़िंदगियों में जो तबाही व बर्बादी की आग लगी है उसे तो उन्हें बुझाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए जिनकी जाने गई हैं वो तो अब आने से रहे जी, लेकिन इन जानों के जाने से जिन फैमिलीज का नुकसान हुआ है उसका भी जो है इजाला नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा है कि यकीनन जो है इन मुतासरीन के साथ इन परेशान हाल लोगों के साथ जो है हमदर्दी के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल हुकूमत ने तो ये कहा है कि हम हर किस्म की जो है मदद के लिए तैयार हैं। तो यकीनन जो है हिंदुस्तानी सफारतखाने को भी जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है चौकसी बरतने की ज़रूरत है और मुतासरीन की इलाज के लिए भी और जो फौत हो चुके हैं उनके उनकी मैयतों को जो है शिफ्ट करने के लिए भी जो है सिफारत खाने को अपना भरपूर किरदार अदा करना हो। जी बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुवैत जो नायब वज़ीर आज़म है यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है फहद यूसुफ अल सबा उन्होंने पुलिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और हो सकता है कि चंद दिन में ये रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी कि आखिर हादसे की वजूहत क्या थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि जहाँ तक मिडिल ईस्ट का सवाल है वहाँ पर फायर सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इंतजाम किए जाते हैं और उस वक्त तक बिल्डिंग की इजाज़त नहीं दी जाती जब तक फायर सेफ्टी इकदाम या जो कंडीशन होते हैं नॉर्म्स होते हैं
उसूल जवाबित होते हैं, उस पर आप अमलावरी नहीं करते। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक वाक़ा है और अफसोसनाक वाक़ा है। और अब देखना यह है कि महलुकिन की तादाद में इजाफा होता है या नहीं, क्योंकि अगर आग लगती है लोग पांचवीं मंजिल से गिर पड़ते हैं यानी छलांग लगा देते हैं अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए डर के मारे, तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा अमवात का खदशा रहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 160 वर्कर्स वहाँ मुखिम थे। बरहरीन अब हम दूसरी खबर की जानी चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक चंद्रबाबू नायडू से है। चंद्रबाबू नायडू के माना अब लिए जा रहे हैं किंग मेकर। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने बीजेपी की दर क़्यादत NDA हुकूमत को मरकज में लाने में अहम किरदार अदा किया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो असेंबली इंतखाबात हुए वो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ मुनाकिद हुए थे। और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि 175 जो असेंबली नशस्तें हैं उसमें तकरीबन 160 नशस्तों पर चंद्रबाबू नायडू और उनके इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल की। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये भी बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने अहद कर लिया था जिस वक्त उनकी बीवी के बारे में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स ये थे YSRCP के अरकान असम्बली ने कि वो दोबारा असम्बली में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वो हुकूमत नहीं बनाते और उस जब तक के वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ नहीं लेते। तो आपने देखा कि कुदरत ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया और उनकी किस्मत में लिखा था चीफ मिनिस्टर बनना और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आज विजयवाड़ा के एक मुदाफती इलाके में तकरीबी हलफ बरदारी मुनक़िद हुई जिसमें पहले चंद्रबाबू नायडू ने हलफ लिया, उसके बाद पवन कल्याण और उसके बाद आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं नारा लोकेश ने हलफ लिया और एस अब्दुल नज़ीर जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के उन्होंने ये हलफ दिलाया। तो सज्जा साहब आप ये बताइए कि क्या अब जगनमोहन रेड्डी के मुश्किल में इजाफा होगा? यकीनन देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि इंतकाम की सियासत फिर से शुरू हो जाए। इससे पहले जगन ने जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ इंतकाम की सियासत की, उनके घर को गिराया गया, उन्होंने जो अमरावती में घर बनाया था और अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का उनका जो प्रोजेक्ट था उसको तहस नहस किया और उन्होंने कहा कि हम अमरावती को जो है नहीं बनाएंगे दारुल हुकूमत, हम 4 दारुल हुकूमत बनाएंगे रियासत में। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने इग्नोर किया पूरी तरीके से अमरावती को, जबकि अमरावती जो है चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो बहरहाल जो है चंद्रबाबू नायडू के घर पे बुलडोजर चलाए गए, जो सरकारी मकान था चंद्रबाबू नायडू के, वहाँ से जब वो हार गए थे इलेक्शन और जो है वो चीफ मिनिस्टर के अहदे से महरूम हो गए थे और जब जगन ने चीफ मिनिस्टर का अहदा संभाला था तो उन्होंने सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू का जो सरकारी मकान था उस पर बुलडोज़र चलाया था। और फिर चंद्रबाबू नायडू ने जितनी इमारतें बनाई थी एक दारुल हुकूमत के तौर पे जो है वहाँ पे मुख्तलिफ इमारतें, उन इमारतों को भी जो है मतलब एक ऐसे ही छोड़ दिया गया था, उनमें कोई दफ्तर शिफ्ट नहीं किया गया था। तो बहरहाल उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के ख़िलाफ़ क्या हुआ ये तो आप भी जानते हैं। और हालिया दिनों में भी जो है चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे मुख्तलिफ जो है इल्ज़ाम के तहत। बहरहाल जो कुछ भी हो, और चंद्रबाबू नायडू की अहलिया के हवाले से भी जो असम्बली में रिमार्क किए गए थे उस वक्त, गालिबन ये 2 साल पुरानी बात है, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फूट फूट के रो पड़े। और उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी बेइज्जती नहीं महसूस की एक सेलेक्टेड MLA और जो है एक खातून MLA के साथ, महज इसलिए कि वो मेरी अहलिया हैं, मुझसे ताल्लुक़ है उनका, इतनी उनकी बेइज्जती की गई असम्बली में, उनका मजाक उड़ाया गया, उन पर हमले किए गए, उन पर रकीक हमले किए गए, उनको निशाना बनाया गया। तो बहरहाल उन्होंने कहा था कि इतनी बेइज्जती मैंने कभी महसूस नहीं की है। तो यकीनन ये सारी चीज़ें चंद्रबाबू नायडू के जहन में है, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसके बाद ही उन्होंने अहद किया था कि मैं जब तक दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता असम्बली में नहीं जाऊँगा। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि फिर से इंतकाम की सियासत शुरू हो गई है। अब हैरत अंगेज तौर पे जो है जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से जो है रियासत आंध्र प्रदेश में हारी है, बदतरीन शिकस्त का सामना रहा है। देखिए 175 रुकनी असम्बली में 167 सीट जो है चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के हैं, ये महज 13 सीटों तक सिमट के रह गए, मतलब है कि इसको बदतरीन हार ही हम कहेंगे। तो यकीनन उनकी बदतरीन हार और फिर उनका इख्तदार से महरूम होना और फिर चंद्रबाबू नायडू का इख्तदार में आना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि इख्तदार में आने के बाद
यकीनन एक बार फिर रियासत आंध्र प्रदेश में इंतकाम की सियासत शुरू हो जाएगी। जी जी बहन नदी, मैं आपको बता दूँगी जहाँ तक आंध्र प्रदेश असम्बली का सवाल है, 175 असम्बली में सदस्य हैं और वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के साथ साथ बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की। बीजेपी मैं समझता हूँ कि पैरासैटिक अंदाज में वहाँ चिपकी रही बीजेपी यानी तेलुगुदेशम को और जनसेना की पार्टी को, जिसके नतीजे में उसका फ़ायदा हुआ है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चंद्रबाबू नायडू ने पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात जो हुए, उसमें 16 नशस्तें हासिल की है, जबकि जनसेना ने 2 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। और आप देखेंगे कि 4 नशस्तों पर जगन मोहन रेड्डी को कामयाबी हासिल हुई और बीजेपी को भी 3 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह बीजेपी ने अपने मौजूदगी का वहाँ पर एहसास दिलाया है। और बीजेपी के जो सरबराह हैं आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी, वो हमारे चंद्रबाबू नायडू की ब्रदर सॉरी चंद्रबाबू नायडू की निजी बहन होती हैं। और अब देखना ये है कि उन्हें स्पीकर बनाया जाता है या फिर चंद्रबाबू नायडू स्पीकर के लिए जिद करते हैं या मुतालबा करते हैं। लेकिन आज जिस अंदाज में मोदी से मुलाकात चंद्रबाबू नायडू ने की, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। और फिर मोदी से मुलाकात के बाद वो अपनी बीवी के करीब गए और बहुत ज़्यादा वो जज्बाती हो गए थे और ऐसा लग रहा था वो उनकी आंखों से आंसू रवा हैं। तो बहरहाल चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का तहिया कर लिया है, ऐसा महसूस होता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस अंदाज में चंद्रबाबू नायडू की इकतदार में वापसी हुई है, वो जगन के लिए बहुत ख़तरे की बात है। ताहम सजा साहब, आप देखेंगे कि 4 अरकान पार्लियामेंट जगन के पास है और अगर मोदी जी को अंदाज़ा है कि चंद्रबाबू नायडू क्या चीज़ है, फिर नीतीश कुमार के बारे में है कि वो तो पलटू राम है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे में क्या मोदी जी हो या अमित शाह हो, वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा में अहम मौक़ों पर वो मोदी की मदद कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखिए, अब यकीन आज देखिए वज़ीर आज़म मोदी वहाँ पे हलफबरदारी तकरीब में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बड़े ही वालिहाना अंदाज में चंद्रबाबू नायडू से जो है गले मिल के उनको थपकी दी थी, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया था। और हमने देखा कि उन्होंने जो है जनसेना के लीडर पवन कल्याण को भी जो है उतनी ही खुशी और उतनी ही मसरत के साथ गले लगाया। और दिलचस्प बात यह है कि पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी, जो वो खुद भी फिल्म स्टार हैं, बहुत पुराने कदीम जो है टॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर हैं और पवन कल्याण भी का ताल्लुक भी टॉलीवुड से है, उनको भी मोदी ने गले लगाया, दोनों के हाथ पकड़े, दोनों के हाथ जो है उन्होंने जो है जिस वालिहाना अंदाज में जो है उन्होंने दोनों के हाथ उठाए और अपने जो है एक अपनी जो है एक खुशी का मसरत का इजहार किया है, वो भी हैरत अंगेज है। लेकिन मोदी के हवाले से कहा जाता है कि वो अदाकारी बहुत करते हैं, मसरत का बहुत इजहार करते हैं, लोगों से जब मतलब होता है उनका तो उनको बहुत ज़्यादा गले लगाते हैं, लेकिन बाद में वो नुकसान भी उतना ही पहुंचाते हैं। और ये बात हमने नहीं कही है, उद्धव ठाकरे ने कही है कि बीजेपी ने जिस पुरजोश अंदाज में शिवसेना को गले लगाया था, उतने ही सपा के साथ शिवसेना के टुकड़े किए थे बीजेपी ने। तो बहरहाल जो है ये देखने वाली, यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ता बयान किया है कि जगन के 4 MP जो है मोदी के बहुत काम लोकसभा के हैं, बिल्कुल लोकसभा में मोदी के बहुत काम आ सकते हैं। और फिर जगन के 13 MLA भी जो है मोदी के काम आ सकते हैं, क्योंकि उनकी NDA में जो बहुत बड़ी सबसे बड़ी तादाद है ये चंद्रबाबू नायडू के 16 MP की है, दूसरी बड़ी तादाद है वो 12 MP के साथ जो है पलटू राम जिनको कहा आपने अभी, उनकी है, नीतीश कुमार की है। फिर उसके बाद जो है जितने भी उनके अलाई हैं, एक तो शिंदे हैं, 23 लोग हैं, एक तो शिंदे हैं जिनके जो है 7 MP हैं, जी जी, बाकी सब 2-3, 2-3, 3-4, 3-4, 1-1 इस तरह की जो है तादाद है। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन मोदी को जो है बहुत सख्त ज़रूरत महसूस होगी, जगन मोहन रेड्डी की भी उनको ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन क्या वो जगन मोहन रेड्डी की हिमायत के लिए चंद्रबाबू नायडू से बैर कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और सजय साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक मोदी का सवाल है, बीजेपी का सवाल है, मोदी जी ने बार बार ये नारा लगाया था कि आपकी बार 400 पार, लेकिन
उन्होंने आवाम में जिस तरह का सबक सिखाया है वो सब जानते हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे कि 240 तक बीजेपी समेट कर रह गई, यानी अपने बलबूते पर वो साध जो अक्सरियत है और जादुई जो आदत है 272 उस तक भी नहीं पहुंच पाई। और आपको ये भी बता दूं कि जहां तक इख्तदार हासिल करने का सवाल है, तो मोदी हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू के जो 30 अरकान होते हैं, यानी 12 अरकान तो आप जेडीयू के शामिल कर लीजिए, फिर 16 अरकान चंद्रबाबू नायडू के, 2 अरकान जनसेना के, तो ये 30 बनते हैं। तो 30 वो भी उसकी मदद के लिए बहुत ज़रूरी थे। और जहाँ तक मोदी के हरीफों का सवाल है, चंद्रबाबू नायडू को निकाल दें या फिर जग नीतीश कुमार को निकाल दें, तो फिर उनके जो हलीफ उनके जो अरकान की तादाद रहेगी वो सिर्फ 13 रहेगी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर मजबूर और बेबस हो गए थे मोदी, और फिर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को अपना बेसाखी बना लिया है। बहरहाल अब देखना यह है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश के लिए खसूसी फंड्स हासिल कर सकते हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश को खसूसी मौक़िफ़ दिला सकते हैं यानी स्पेशल स्टेटस दिला सकते हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश को ख़ासतौर पर अमरावती को, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे मैं सिंगापुर बनाना चाहता हूँ, तो क्या वो अमरावती को सिंगापुर बनाने में चंद्रबाबू की मदद करते हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश को फिर एक मरतबा साइबर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें मोदी मदद कर सकते हैं सर? देखिए, एक अहम तरीन बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कहा है कि उनके जो एनडीए अलायंस में जो है जाने की अहम वजह उन्होंने ये बयान की थी, और उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में भी कहा था कि अगर हम इख्तदार में आएंगे तो फिर हम रियासत आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए अपनी जान तोड़ कोशिश करेंगे। और कहा जाता है कि जब एनडीए का पहला इजलास हुआ था तो उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर के साथ साथ आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का भी मुतालबा रखा है मोदी के सामने, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पीकर दे ना दें, लेकिन आंध्र प्रदेश रियासत को स्पेशल स्टेटस देने की हामी मोदी भर सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो फिर इसका फ़ायदा चंद्रबाबू नायडू भरपूर अंदाज में उठाएंगे, और उनको तो महारत हासिल है शहरों को डेवलप करने में या शहरों को फ़रोग देने में, उनको तो महारत हासिल है। इसकी ताज़ा तरीन क्या हम ये कह सकते हैं कि जब मुतहद आंध्र प्रदेश था तो जब उन्होंने हाईटेक सिटी बनाया था, हैदराबाद को तरक्की देने में चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा रोल था, और हैदराबाद को बैन अवी लेवल पर जो है एक तरक्की याफ्ता और सहूलत याफ्ता शहर बनाने के लिए उन्होंने इकदाम किए थे। और फिर जब उनको 5 साल की वहाँ पे चीफ मिनिस्टर मिली थी आंध्र प्रदेश में जब रियासत अलग होने के बाद, तो विजयवाड़ा में उन्होंने इंटरनेशनल जो है मेयार का एयरपोर्ट बनाया था, और अमरावती को उन्होंने कहा था कि मैं अमरावती को भी जो है एक बैन अवी मेयार के शहर में बदलने के लिए इकदाम करूँगा। तो बहरहाल जो है ये इस मामले में कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में या फिर जो है तरक्की देने के मामले में उनका विजन बहुत अच्छा है, तो हो सकता है अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाए, पैसे की कमी ना हो, तो वो अपने जो है ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम ये चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि मरकज़ी काबीना से है। मरकज़ी काबीना में आपने देखा कि किस तरह मोदी और दीगर 71 वज़रा ने हलफ लिया, और आप देखेंगे किस तरह के कलमदानों यानी पोर्टफोलियोज की तकसीम भी अमल में आई है, और आप ये भी देखेंगे कि मोदी ने यानी बीजेपी ने चार या पाँच अहम जो वजारतें हैं उसे अपने पास ही रखा है। एक तो वजारत दाखिला है जो अब बिशापुर पर फायज कर दिया गया, डिफेंस है राजनाथ सिंह के वजीर दिफा बनाए गए हैं, इसी तरह अगर आप देखेंगे कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को मुखर किया गया है दोबारा, और एस जयशंकर वजीर उम्र खारजा हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी अपनी जो सबका कलमदान है वो उस पर ही बरकरार रखे गए हैं, लेकिन ये नेशनल शेम है, ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मरकजी काबीना में किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है, ये इंतहाई अफसोस की बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जो हमारे पार्लियामेंट की नशस्तें हैं, जुमला नशस्तें होती हैं 543 यानी 543, और इसमें से जो वजारत होनी चाहिए यानी वजीर होने चाहिए वो जो हिसाब लगाया जाता है कि पार्लियामेंट के अरकान की 15% यानी आप देखेंगे कि 81 बनता है, उनको आप वजीर बना सकते हैं 81 अरकान को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर।
तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मरतबा 72 है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जब दोबारा तौसी की जाएगी काबादा में तो किसी एक मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है। वो मुख्तार अब्बास नकवी भी हो सकते हैं, शाहनवाज भी हो सकते हैं, बहरहाल कोई भी एक उत्तर प्रदेश का कोई एक मुस्लिम बीजेपी लीडर भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि कभी भी चाहे वो पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की काबीना हो, इंदिरा गांधी की काबीना हो, या फिर आप देखेंगे यूपीए के तहत मनमोहन सिंह की काबीना हो, उसमें मुस्लिम वज़ीरों के बगैर कोई काबीना नहीं रही है। बहरहाल ये खबर है और मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं तो मुसलमानों को भी वजारत में शामिल किया जाना चाहिए था। हमारे सजद साहब एक खबर ये है कि हेट स्पीच का जहाँ तक सवाल है, कम से कम 8 बुजुर्ग ऐसे हैं मरकजी काबीना में जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमात हैं। और सबसे अहम बात बताऊँगा कि बंडी संजय के खिलाफ 42 फौजदारी मुकदमात हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। जी यकीनन, देखिए एक सबसे बड़ा मसला तो यही है कि मुसलमानों को इग्नोर किया गया। यकीनन देखिए, एक खुली बात है कि मुल्क के मुसलमानों ने बीजेपी को ना वोट दिया है ना वोट देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात में जितनी भी जो है आप इलाकों की जो है सर्वे कर लीजिए, कांग्रेस को या फिर अखिलेश यादव को आज ताकतवर बनाने में मुसलमानों का अहम किरदार रहा है। ऐसे ऐसे हलकों में जहाँ पे जो है तसव्वुर नहीं था कि जो है यहाँ कांग्रेस जीत के आएगी, महज मुसलमानों के वोटों की वजह से कांग्रेस ने वहाँ कामयाबी हासिल की। और मुस्लिम उम्मीदवारों की भी अगर हम बात करें मुख्तलिफ जमातों के या फिर मुख्तलिफ जो है रियासतों में, तो मुसलमान जो MP चुन के आए हैं उनका ताल्लुक सेक्युलर जमातों से, बीजेपी से नहीं। तो यकीनन देखिए, बीजेपी ने मुसलमान को पहले भी इग्नोर किया था, नई बात नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ने कहा था कि हमें वोट की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों के। आप भी इलेक्शन में आपने वज़ीर आज़म की तकरीरें सुनी होंगी, अमित शाह की तकरीरें सुनी होंगी और योगी आदित्यनाथ की तकरीरें सुनी होंगी आपने तो बहुत ही इश्तियाल अंगेज तकरीरें थी। योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीर में कहा था कि हमने सड़कों से नमाज बंद करवा दी है, हमने इनकी मस्जिदों से जो है जो लाउड स्पीकर्स हैं वो हटा दिए हैं, अब आने वाले दिनों में हम इन ढांचों को भी जो है ख़त्म कर देंगे। इस तरह की इश्तियालंगी दिखी थी। मोदी ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन लेने नहीं दूंगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, ये मोदी के अल्फाज हैं। तो जब आप इलेक्शन के दौरान में इस तरह की जो है मुसलमानों के हवाले से आप इतनी जो है ख़तरनाक तकरीरें कर सकते हैं तो हम तो नहीं कर सकते कि वो मुसलमान को जो है अपने काबिना में रखेंगे। वैसे भी सरकार से आपने बताया कि जिस तरह 24 सरकारी पार्लियामेंट मुंतखब हुए मुस्लिम के से 21 जो है वो NDA के है, सॉरी इंडिया के है, और आप देखेंगे कि एक जो है MIM के हैं और दो जो हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। बड़ा नाजी इन्हीं खबरों के साथ और इन्हीं तबसरों के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा